आज हम क्लास थर्ड के पूर्व में पढ़ाई गई कविता नर हो ना निराश करो के प्रश्न को हल करेंगे। मौखिक क है कवि हमसे क्या कहना चाहता है। कवि हमसे क्या कहना चाहता है, तो इसका उत्तर है कवि हमसे काम करने को कहना चाहता है। ख है प्रभु ने हमको हाथ किस लिए दिए हैं। प्रभु ने हमको हाथ किस लिए दिए हैं, इसका उत्तर है प्रभु ने हमको हाथ अपना काम खुद करने के लिए दिए हैं। ग है हमारे लिए क्या अप्राप्त नहीं है। इसका उत्तर है कार्य करने वालों या मेहनती लोगों के लिए कोई भी धन अप्राप्त नहीं है। इसके आगे है लिखित क रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है जग में रहकर कुछ करो, तो यहाँ क्या आएगा काम, जग में रहकर कुछ काम करो। दूसरा है यह हुआ किस अर्थ अहो, इस खाली जगह में आएगा जन्म, तो यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो। तीसरा है कुछ तो करो तन को, तो यहाँ आएगा उपयुक्त, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। चौथा है प्रभु ने तुझको दान दिए, इस खाली जगह पे आएगा कर, प्रभु ने तुझको कर दान दिए। पांचवा है मन वस्तु विधान किए, तो इस खाली जगह पे आएगा वांछित, दो मन वांछित वस्तु विधान किए। इसी तरह हमारे आगे का प्रश्न है ख कविता की निम्न पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। पहला है तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर है किसका यह दोष कहो। दूसरा है समझो ना अलभ किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को। आगे का प्रश्न है ग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है जग में रहकर हमको क्या करना चाहिए, तो जग में रहकर हमको काम करना चाहिए। दूसरा है हम अपने जन्म को किस प्रकार उपयुक्त बना सकते हैं, इसका उत्तर है हम अपने जन्म को कार्य मेहनत करके उपयुक्त बना सकते हैं। तीसरा है प्रभु ने हमें क्या दान दिया है, तो प्रभु ने हमें हाथ दान में दिए हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने बुक में फिल किया है, आपको भी ये बुक में फिल करके आपको आपके कॉपी में लिखना है ऐसे।